कॉमन डिजीज है जो आप देखते हैं वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की जो डिजीज है वो आप देख रहे हैं कि बहुत कॉमन हो गई है। बहुत दुबले पतले लोगों में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर दिख जाता है, और आजकल कॉर्पोरेट लेवल पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले 28 से 30 32 साल के यंग लोगों के बीच में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर दिखता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी खून में थक्के बनने लगते हैं, इसमें ब्रेन का स्ट्रोक हो जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मतलब पाल्पिटेशंस होने लगते हैं, और जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो किडनीज को फेल करने लगता है। इसके कुछ तो कारण ऐसे हैं जिन कारणों से आपको ग्रहों को पकड़ने में आसानी होगी, जैसे कि ज्यादा स्ट्रेस का होना। आप जानते ही हैं कि आज बिजनेस में और कॉम्पिटिटिव वर्क एनवायरमेंट में मल्टीनेशनल्स में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है। दूसरा कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तीसरा कारण होता है इंसोमनिया या इनएडिकेट स्लीप, कोई आदमी पूर्ण 8 घंटे की नींद ना लेता हो। आज आप देख रहे हैं कि रोज जो है लोग अपने काम को अपने घर ले आते हैं, लैपटॉप में बैठे होते हैं एक एक दो दो बजे तक, तो उसका मतलब उनकी जो स्लीप है रिड्यूस हो जाती है 3 से 4 घंटे। इसके अलावा जो एग्रेसिव बिहेवियर है व्यक्ति, उसको जो इम्पेशेंस का लेवल है यानी वह अधैर्य प्रकृति का है, अजीब प्रकृति का, उसे बहुत ज्यादा चिंताएं हो रही है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं वो है चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बुध। बुध इसमें कारक होते हैं वेन्स और आर्टरीज के, क्योंकि बुध जो है लचीलेपन के कारक है। अब इसमें अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको हॉरोस्कोप में मिलता है कि चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं या राहु मंगल के साथ बैठे हैं या राहु सूर्य के साथ बैठे हैं या राहु बुध के साथ बैठे हैं या बुध मंगल के साथ बैठे हैं, अभी ये स्थूल रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम नक्षत्राक्ष के लेवल पे भी लेके जाएंगे बाद में क्लास के अंदर। तो मरकरी का जब भी पापक प्रभाव होता है कुंडली के अंदर मरकरी पर, तो ये आर्टरीज ऑफ वेन जो है स्टिफ हो जाती है, यानी इनका लचीलापन खत्म हो जाता है, तो उससे क्या होता है ब्लड का फ्लो इनके पतले हो जाने की वजह से ब्लड के फ्लो में जो ब्लड प्रेशर है बढ़ने लगता है, यानी हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। और राहु अगर इसको पाप प्रभाव देता है तो उसमें आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का क्लॉगिंग शुरू हो जाता है, यानी उसके थक्के बनने लगते हैं, ताकि बाद में फिर स्टंट से उसको खोला जाता है। तो हमें हाई ब्लड प्रेशर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके कुछ रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बताऊंगा। आज की जो क्लास में, आज डेमो की क्लास में भी आप बहुत मोती यहाँ से कलेक्ट करके जाएंगे। अगर आप इसे सीरियसली, ये वीडियो भी आपको भेजा जाएगा, तो आप इसको अगर देखेंगे और इस पीपीटी को आप पढ़ेंगे और इसको अपने किताबों में कॉपी में नोट करेंगे, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपको ओवरव्यू ऑफ द एंटायर कोर्स ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होगा। तो इसका जो पहला एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है वो तो है कि आप जो है चावल का और मिश्री का आप दान कीजिए। दूसरी इसकी रेमेडी होती है, आप 4x4 का लाल रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें सौंफ, मिश्री और मूंगा बांध के उस पेशेंट की, उस व्यक्ति की, वो चाहे आपके पिताजी हैं या वाइफ हैं, जो भी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको जो है उनके सिरहाने पे रख दीजिए। ये आपको 7 दिन रखना होगा। उसके बाद आप जो है इसको 7 दिन के बाद किसी फील्ड में ले जाते हैं और वहां जाके इसको एम्प्टी कर देते हैं और कपड़े और मूंगे को वापस ले आते हैं। इसमें फिर आपने सौंफ, मिश्री और मूंगे को रखकर कपड़ी को बांधकर और पेशेंट के सिरहाने पे रखना है होते समय, और इस तरह का आप 1 माह से लेकर 3 माह तक आप करते हैं। 3 माह के बाद में जब आप ज्ञापन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप किसी मंदिर में जाके इस मूंगे को पंडित जी को दान कर देंगे, और ये जो क्लॉथ है 4x4 का जो आपका रेड क्लॉथ है, इसे मंदिर में ही किसी, अगर वहां पेड़ है तो पेड़ में बांध के आ जाइए, अन्यथा वहां छोड़ के आ जाइए। अब इसके जो नक्षत्र कौन कौन से हैं हाई बीपी के, जैसे सूर्य के नक्षत्र हैं कृतिका है, उत्तरा फागुनी है,
उत्तराषाढ़ा है, ये नक्षत्रों का पीड़ित होना। नक्षत्र कब पीड़ित होते हैं? जब वो नक्षत्र स्टार लॉर्ड बन जाते हैं राहु शनि और मंगल के। यानी कहने का मतलब है कि कुंडली के अंदर राहु का नक्षत्र, अगर सूर्य के इनमें से कोई भी नक्षत्र होगा, कृतिका उत्तराफाग्नि उत्तराषाढ़, या शनि का नक्षत्र कृतिका उत्तराफाग्नि उत्तराषाढ़ होगा, या मंगल के नक्षत्र चित्रा मृक्षरा चित्रा और धनिष्ठा, ये नक्षत्रों में अगर मतलब इन नक्षत्रात मतलब जैसे सूर्य के सॉरी कृतिका उत्तराफाग्नि उत्तराषाढ़ नक्षत्र मंगल का होगा, अगर इसी प्रकार से चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र हैं, बुध के नक्षत्र हैं, ये अगर स्टार लॉर्ड बन जाते हैं राहु शनि और मंगल के, तो ऐसी स्थितियों को पैदा करते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित है। अब इसमें आपको योगिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर से ठीक होने के लिए। इसके लिए आपको वृक्षासन करना है प्रतिदिन। और वृक्षासन में क्या होता है कि आप एक पांव पे खड़े होते हैं और दूसरे पांव को अपनी जंघा से आप उसे लगा लेते हैं जांघ से, और एक पांव पे खड़े होकर आप ओम की चैंटिंग करते हैं। उस समय आप अपने मणिपुर चक्र पे आपका ध्यान होता है। मणिपुर चक्र आपके तीसरे चक्र माने जाते हैं जो कि नाभि के ठीक पीछे हैं। इसका जो आधार तत्व है वो अग्नि है और इसे सूर्य केंद्र भी बोला जाता है। और इस मणिपुर चक्र का जो मंत्र है वो है रम। इसको फिर फॉलो किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है अनहत चक्र में। अनहत चक्र आपका चौथा चक्र है, जो हार्ट जहां पे आपका है लेफ्ट साइड में, उसके मिडिल में ये अनहत चक्र पड़ता है। इसको आपने कंसंट्रेट करना है। ये चक्र जो है वो बैलेंस का चक्र है, जो कि आपके स्पिरिचुअल फिजिकल मेंटल बैलेंस को मेंटेन करता है और आपको कामनेस देता है। यानी कि आप शांत प्रकृति के होते हैं, आपके दिमाग में शांति होती है, सेरेनिटी आती है। इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। ये सवासन उसके बाद आप करते हैं, योग निद्रा करते हैं प्रतिदिन, उसमें आप ब्रीदिंग को जो कंसंट्रेट करते हैं, प्रथम में मणिपुर चक्र जो नाभि के पास है, तीसरा चक्र, और उसके बाद फिर अनहत चक्र जो चौथा चक्र है जो आपके हार्ट की लाइन में मिडिल में पड़ता है, उस पर आप कंसंट्रेट करते हैं। इसमें आपको ये सलाह दी जाती है कि आप नमक कम से कम लें, क्योंकि ज्यादा नमक लेने से सूर्य खराब हो जाते हैं आपकी कुंडली के, और सूर्य हार्ट के प्लैनेट माने जाते हैं। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है, बहुत ठंडा पानी गर्मियों में भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे चंद्रमा खराब हो जाते हैं और चंद्रमा के खराब होने से सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका असर पड़ता है। इसके लिए जो इसका जो एंटीडोट होता है ब्लड प्रेशर का, वो होता है कि आपका जो लगन है वो मजबूत होना चाहिए। लगन जो है त्रिक भावों में नहीं होना चाहिए, लगन एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, और लगन का जो स्वामी है वो शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए, शुभ कर्तरी होना चाहिए, लगन का स्वामी कंबस नहीं होना चाहिए। इन स्थितियों के अंदर लगन जो कि व्यक्ति के शरीर की रक्षा करता है, लगन और लगन का स्वामी उसकी रक्षा नहीं कर पाता।